मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला जारी है। ऐसे में बदनावर उपचुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बदनावर विधानसभा क्षेत्र के 600 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। माना जा रहा है इन बीजेपी कार्यकर्ताओं के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी की स्थिति और मजबूत होगी। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए उन पूर्व विधायकों से पूछिए और जनता जानना चाहती है और जिस तरह से उन्होंने जो निर्णय किया और जो धोखा दिया है और धोखे का परिणाम है, आज उनको जब चुनाव में आएंगे तो फील्ड में पता चल जाएगा। आम जनता में जबरदस्त आक्रोश और गुस्सा है कि कब चुनाव आए और हमको इनने जितने वोटों से हमने इनको जो जिताया था उतने वोटों से इनको भेजना है। सैकड़ों कार्यकर्ता आज यहाँ पर भाजपा छोड़ के भारतीय जनता पार्टी गलत नीति झूठ फ्रेप की बातें करने में ये सब उग गए, इसलिए बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए। उन सभी साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, उनका बधाई देता हूँ ध्रुव नारायण जी को कि उन्होंने एक अच्छे पार्टी से जोड़ने का काम किया है।